वेलकम टू माई चैनल नवीन इलेक्ट्रीशियन प्लम्बिंग में फ्रेंड्स आपका स्वागत है फ्रेंड्स इस बिल्डिंग के अंदर में टोटली प्लम्बिंग का वर्क करेंगे और आपको ए टू जेड करके भी दिखाएंगे कि किस तरीके से प्लम्बिंग का टोटली वर्क किया जाता है और किस तरीके से फिटिंग करते हैं चलिए इनके अंदर में आपको हम दिखाते हैं फ्रेंड्स इस घर के अंदर अभी काम चल रहा है वर्क हो रहा है और मैं आपको बता पाऊँ कि इसके अंदर में आप बाथरूम कॉमन लैटरिंग बाथरूम है और इसके अंदर में टोटली फिटिंग हो चुका है आपको मैं इट विज़िट जानकारी देना चाह रहा हूँ जिससे आपका नॉलेज भी बढ़े क्योंकि फ़िलहाल फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ख़ुद अकेला वर्क कर रहा हूँ तो इसीलिए मैं इसको वर्क करते हुए आपको वीडियो नहीं बना पाया लेकिन आपको मैं करके दिखाता हूँ और बताता भी हूँ कि कौन कौन सा पॉइंट किस तरीके से लियाँ ये इंडियन टॉयलेट का पॉइंट है आप देखेंगे तो यहाँ पे इंडियन टॉयलेट सीट आएगा तो फ्रेंड्स आपको बताओ इसका मेज़रमेंट हमने उस दीवाल से इसका दस इंची लिया हूँ और इस दीवार से यहाँ पर बाईस इंची का मेज़रमेंट करके इसको यहाँ पर किया हूँ बाहर में इस तरीके से एल्बो लग के बाहर चला गया है डिग्री का एल्बो और यहाँ पर भी वेस्टेड बाहर चला गया है और आपको पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि इसका किस तरीके से फिटिंग करते हैं ए टू जेड किस तरीके से डाइवर्टर वगैरह फिटिंग किया जाता है तो इसका भी वीडियो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा जिससे आप इन सभी का वीडियो देख सकते हैं और आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से वर्क किया जाता है किस तरीके से फिटिंग किया जाता है तो टोटली totally मैं आपको चार इंची और अढ़ाई इंची का फिटिंग बताता हूँ फ्रेंड्स तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने यहाँ पे कहीं पे भी टी का इस्तेमाल नहीं किया है हमने जो भी फिटिंग किया है वो वाइटी का इस्तेमाल किया है आपको जानकारी दे दूँ कि वाइटी क्यों ज़रूरी है तो वहाँ पर एल्बो देखे यहाँ पर वाइटी एक यहाँ पर लगा है इस जगह पर आपको देखेंगे तो टोटल तो चार वाइटी का इस्तेमाल हुआ है तो अब यहाँ देखेंगे एक वाइटी लग के यहाँ पे एल्बो लग के बाहर चला गया उस बाथरूम के अंदर एक यहाँ वाई टी लग के यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बेसिन आएगा तो इसके लिए पॉइंट है इसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी नीचे वाई टी लगाया और यहाँ पे एक पैंतालीस डिग्री का एल्बो दे के सीधा कर दिया और यहाँ पे भी एक वाई टी लगा के आप देखेंगे तो यहाँ पे नब्बे डिग्री का एल्बो लगा के यहाँ पर भी क्योंकि इस बाथरूम का जो भी वेस्टेड होगा वो इसके अंदर आएगा और यहीं से एक बाहर चला गया उस बाथरूम के अंदर भी दिखाएंगे और यहाँ से होते हुए बाहर चला गया बाहर का भी फिटिंग दिखाऊँगा किस तरीके से तो आपको इस तरीके से हमने टोटली मेजरमेंट भी कर लिए चलिए आपको दूसरे बाथरूम में लेके चलते हैं और वहाँ पे दिखाते हैं कि किस तरीके से फिटिंग किए हैं तो ये देखिए आप यहाँ पे ये यह भी हवा में है आप देख सकते हैं तो इसके नीचे भी सपोर्ट नहीं इसके अंदर जब मिट्टी बढ़ाएगा और यहाँ पे जब ईटा का दमसुर वगैरह पड़ेगा तो इसमें ये लेवल आ जाएगा तो यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा दे दिया हूँ ताकि ये क्योंकि ये थोड़ा सा डाउन था और प्लस में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी एक नाली टैप जो उधर में हमने आपको दिखाया था क्योंकि यहाँ पे भी वेशिन है तो इसका भी पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा और इस जगह का जो भी बाथरूम का वेस्टेड होगा वो यहाँ पे आएगा और यहाँ इन इंग्लिश सीट बैठेगा तो यहाँ पे कमोड का पॉइंट है और फ्रेंड्स बता दो कमोड का जो पॉइंट है वो आपको पिछले दीवार से आपको दस इंची पर रखना है और साइड से आप बाईस इंची ले सकते हैं तो इस तरीके से कमोड का फिटिंग आप कर सकते हैं कमोड जब पॉइंट बना सकते हैं तो यहाँ पे हमने टोटली पॉइंट बनाया है यहाँ पे एक देखेंगे डायरेक्टली इस जगह पे पाइप लग के ऊपर तक आएगा और यहाँ पे अभी ये इसके अंदर अभी पाइप भी लगाऊंगा ताकि ये थोड़ा सा हाइट पे आ जाएगा और इसका पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पे एक दो तीन पॉइंट पहले से बना चुका हूँ और इन सभी का हमने आपको अंदर का दिखाया चलिए बाहर दिखाते हैं कि इसको किस तरीके से बाद में फ़िलहाल फिटिंग हुआ है तो फ्रेंड्स ये बाहर का आउट एरिया है अगर देखेंगे तो ये इस जगह पे आप अप... चलिए आपको यहाँ पे लेके आया ये देखिए आपको मैंने नीचे दिखाया था यहीं पे एक एल्बो दिया और यहाँ पे भी वाई का इस्तेमाल किया एक 45 डिग्री लगा के इसको सीधा ऊपर की ओर क्योंकि ऊपर में भी दूसरे फ्लोर पे भी लेटरिन बाथरूम तो उसका भी पॉइंट वहाँ से चला जाएगा और ये गैस के लिए ऊपर चला जाएगा ये वेस्टेड भी आपका ऊपर चला जाएगा तो इसके लिए भी हमने इस फ़िलहाल इसको इस तरीके से फिट कर दिया है और आप देखेंगे नीचे में यहाँ पे भी हमने एल्बो का इस्तेमाल नहीं किया 90 डिग्री यहाँ पे 45 देख सकते हैं फोर्टी फाइव डिग्री का डबल इस्तेमाल किया ताकि कभी भी कोई भी पाइप लीक लीकेज नहीं करेगा और प्लस कभी भी कोई भी कचरा इसके अंदर कभी जाम नहीं होगा और वाइटी लगाने से कभी भी इसका फोर्स भी कम नहीं होगा तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है तो आप भी इस चीज़ पे ध्यान रखेंगे कि हमेशा यहाँ पे टी ना दे के वाई टी का इस्तेमाल कीजिए जो परफेक्ट तरीके हैं और इसको इस तरीके बाकी ये सारे के सारे मसाला और जब प्लास्टर होगा तो ये पूरा पैकअप हो जाएगा तो इस तरीके से वहाँ देखेंगे वाई टी लग के ये इस तरीके से यहाँ पर फिटिंग हो चुका और ये दो पाइप बाहर चला गया फ़िलहाल में और आप देखेंगे इसका लेवल भी है तो इस तरीके से आपको क्योंकि यहाँ से ढलान नीचे की ओर वहाँ तक गया है और ये बाकी बाहर चला गया है और आपको यहाँ पे दिखाओ ये देखिए यहाँ पे भी एक वाइटी लगाया जो आपको कमोड का पॉइंट है और यहाँ पे इस तरीके से डालो के बाहर निकल गया अब जब यहाँ पे एक देखेंगे यहाँ पे एक ये हाउस है तो ये इसका कनेक्शन अब देखेंगे चार इंची का इसके अंदर कनेक्शन जाएगा और वेस्टेड का भी आगे बढ़ के जाएगा तो इसका भी आगे जब फिटिंग होगा तो वो भी चीज़ दिखाऊंगा तो फिलहाल फ्रेंड्स इस तरीके से टोटली फिटिंग हो चुका है तो फ्रेंड्स ये बताना चाहूँगा कि हमने टोटली चीज़ फ़िटिंग किया हो किस तरीके से फिटिंग करना चाहिए किस तरीके से पॉइंट बनाना चाहिए तो आपको ए टू जेड मैंने करके दिखाया और बताया पूरी जानकारी दे पाया कि किस तरीके से कौन कौन सा पॉइंट देना चाहिए तो फ्रेंड्स अगर आपके पास कोई सुलझाव है या कोई भी तरह का जो समझ में नहीं आया तो हमारे चैनल पर आप कॉमेंट्स कीजिए या आप कोई भी मैसेज कीजिए ताकि हम आपको रिप्लाई भी दे सकूँ जानकारी भी दे सकूँ और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लाइक करें शेयर करें ताकि ढेर सारी आपको जानकारी प्लम्बर से रिलेटेड आपको मिलता रहे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय थैंक यू ऑल द बेस्ट